यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास है कैरियर का थर्मोस्टेट और इसकी हम वायरिंग जानेंगे और कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हो 20 से ये ऑन ऑफ होता है और यहाँ से फ़ैन लो मीडियम हाई और ये ऑटो होता है। यहाँ से देख सकते हो फ़ैन जो स्पीड है लो मीडियम हाई और यहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे हाई हो रहा है और यहाँ पे लो हो रहा है और यहाँ से आप इसको मोड बटन सेट कर सकते हो। और इसकी वायरिंग जानेंगे कैसे इसकी वायरिंग करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी वायरिंग देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेसर ऑन ऑफ का बटन ऑप्शन है और जो फ़ैन है हमारा लो मीडियम हाई यहाँ से आप कर सकते हो। और इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि 24 वोल्ट इसके अंदर आता है, यानी 24 वोल्ट इसके अंदर आपको फेज देना है, 24 वोल्ट आपको न्यूट्रल देना है। इसके अंदर 220 वोल्ट का कुछ भी यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका ये जो थर्मोस्टेट है वो जल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे देख सकते हो आप 4 नंबर जो हमारा कंप्रेसर को ऑन है, 5 नंबर इसका लो है, 6 नंबर मीडियम, 7 नंबर हाई और इसका जो 8 नंबर है वो न्यूट्रल है और 9 नंबर इसका फेस है यानी 24 वोल्ट है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका जो डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, AC 24 वोल्ट यानी सिर्फ 24 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है यानी चलता है। आपको 220 वोल्ट इसके अंदर नहीं देना है, सिर्फ 24 वोल्ट देना है। फिर से इसकी वायरिंग अच्छे से समझ लेते हैं। इसकी वायरिंग देख सकते हो इसमें 3 स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है और एक कंप्रेसर जो हमारा चालू होएगा 4 नंबर में देना है और लो में लो यानी यहाँ हमारा 5 नंबर, मीडियम 6 नंबर और जो हाई है वो 7 नंबर और जो कॉमन रहेगा यानी न्यूट्रल वायर वो 8 नंबर रहेगा 24 वोल्ट का और 9 नंबर में हमारा जो फेस रहेगा 24 वोल्ट का। इस तरह से इसकी वायरिंग है, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। आप एक बार इसका वायरिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो कनेक्शन है वो कैसे करते हैं। तो इसके अंदर लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, सिर्फ 24 वोल्ट ही देना है, इसके अंदर आपको सिर्फ 24 वोल्ट ही देना है और 24 वोल्ट का फेस आएगा, 24 वोल्ट का ही न्यूट्रल आएगा। तो यही कनेक्शन है इसके अंदर, बाकी और कुछ भी नहीं है। लो मीडियम हाई स्पीड है और अपना कंप्रेसर ऑन का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हो थर्मोस्टेट में एक डिस्प्ले है और यहाँ पे एक वायरिंग बॉक्स का जो PCB है वो है। तो आपको यहाँ पे एरो दिया हुआ है यानी एरो को देख के लगाना है, यानी अगर ये ऊपर के साइड में है तो ऊपर के साइड में लगाना है और दो स्क्रू इसके अंदर लगते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दो स्क्रू लगाने के बाद ये अच्छे से फिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद से ये जो डिस्प्ले का लॉक है ये भी बहुत ईजी सिंपल तरीका है बिल्कुल लगाने का। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो किस तरह से इसका लॉक लगाते हैं। तो यहाँ पर दो स्क्रू है, इसको मैंने टाइट कर लिया है तो इसको पहले फिक्स कर लूँगा फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उसका जो लॉक है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर लिया है और अभी इसका जो डिस्प्ले है वो लगाएंगे। तो डिस्प्ले लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, तो नीचे के साइड में दो लॉक रहते हैं तो आपको क्या करना है, ऊपर से लॉक फंसा के और नीचे दबा देना है तो जिससे ये आपका ये लॉक हो जाएगा। और निकालने का भी सिंपल बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको इसको ऊपर उठाना है तो ये आपका निकल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।